रियली और ये आप पूछते हो मेरा बचपन लाइफ, आज ब्रह्मा कुमारी बने 77 ईयर्स हो गया। उसके पहले परमात्मा से कुछ नहीं मांगा, मैंने पाठ पूजाएं जैसे भारत में अनेक प्रकार के रस्म रवाज अनुसार करते वो नहीं किया, पर गीता पर ना परमात्मा के ध्यान में रहने के लिए पुरुषार्थ करना, दुनियावी जो आकर्षण वाली चीज़ें हैं उनसे पहले से ही मेरा अंदर से कुछ चीज़ों की न इच्छा थी न ममता थी। इसलिए मैं भाग्यवान हूँ जो दुनिया के किचरापटी में मुझे फंसे नहीं, पर अंदर ही अंदर कितनी भक्ति करते चारों धामों की यात्रा किया। मेरा बाप कहता था किसको गुरु तो करो, तो उनको खुश करने के लिए मैं गुरुओं के साथ अच्छी तरह से व्यवहार रखती रही, पर गुरु मन में नहीं किया क्योंकि वो गुरु कहेंगे मेरी फॉलोअर रहो, तो ऐसे कोई फिर मुझे मेरी लाइफ को देख समझते थे तो ये है, इन जैसी कोई है नहीं, तो मेरे को गुरु बना देते थे। मुझे नहीं चाहिए न मैं किसको गुरु, मनुष्य को बनाएंगी न किसका गुरु बनेंगी। तो हमारा ब्रह्मा बाबा है ना, कभी मैं बताएंगी दिखाएंगी ब्रह्मा बाबा मेरा कौन है, जिसको परमात्मा बाप ने निमित्त बनाया उसको पहले से जानती थी। लौकिक फादर से वो अच्छा लगता था क्योंकि सच्चाई बहुत थी। बाबा भाई बाबा जवारी था, मेरा बाप भी जवारी था, तो सच्चाई बहुत थी। जो बाबा के साथ जो संबंध में थे व्यवहार में थे वो उनका देख ऐसा कोई नजर नहीं आता था। दादी जी ये आध्यात्मिक जीवन में भी आपको 77 साल हो गए, आखिर जब आपने ये यात्रा आरंभ की आध्यात्मिकता के तो जीवन का लक्ष्य क्या बना दिया आपने? पहले बहन लक्ष्य क्या है जीवन का, मुझे साधारण लड़की नहीं बनना था, शादी करके बाल बच्चा बनाना ये भी नहीं करना था। तो जीवन का लक्ष्य था मेरी जीवन ऐसी हो जो दुनिया को प्रेरणा देने लायक और परमात्मा को अच्छा लगे, मनुष्यों को अच्छा लगे, कोई गुरु महात्माओं को अच्छा नहीं, बोले गुरु महात्मा मुझे अच्छा समझे, जब भगवान समझे मेरी अच्छी बची।